पर्रा विश्व बैंक कॉलोनी के बी ब्लॉक में स्थित पार्क के अब 30 साल बाद अच्छे दिन आ गए, जिसका क्षेत्र की जनता सदियों से इंतजार कर रही थी, वो दिन आखिर अब आ ही गया। आज विधायक महेश त्रिवेदी पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे। आपको बता दें कि यह पार्क लगभग 30 वर्षों से गंदगी की मार झेल रहा था, जिससे क्षेत्र जनता का बुरा हाल था। क्षेत्रवासियों को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था इस घड़ी का। मुख्य रूप से क्षेत्र के पार्षद जितेंद्र सचांद, दीपक पांडे, अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष निर्मला पांडे, मीना शुक्ला, पंकज शुक्ला, राम जायसवाल, रिंकू शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से कैमरामैन संदीप के साथ हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम सब लोग शिवधाम पार्क में एकत्र हैं और हमारे पार्षद जी भी यहाँ एकत्र हैं और यहाँ के सम्मानित सभी हमारे बंधु परिवार के लोग एकत्र हैं। हाँ, हम सब लोग इसके विकास के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। शिवधाम कमेटी के भी लोगों की बहुत दिनों से मांग थी, यहाँ के सभी सज्जन लोगों की मांग थी, तो आज जितेंद्र जी हमारे पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं पार्क के डेवलपमेंट के लिए, और जनता को सुख मिले और जनता का कल्याण हो उसके लिए यहाँ पर आए हैं। कितना दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? अब दिनों का तो विषय नहीं, लेकिन स्टार्ट होने जा रहा है, जल्द से जल्द कार्य होने जाएगा। क्या क्या सुंदरीकरण के लिए व्यवस्था रखी गई? बाउंड्री का है, ये फुटपाथ है, पेड़ पौधे हैं, गेट है, और वो आपका सबमर्सिबल है, और ब्रेंचे वगैरह।